बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय जय देवाधिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। जय जय देवाधिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जय संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय गुणैतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत परम पूज मुनिषि प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज मुनिषि प्रशांत सागर जी महाराज की। परम पूज मुनिषि निर्वेक सागर जी महाराज की। परम पूज मुनिश्री शीतल सागर जी महाराज की। एलक श्री निजनन सागर जी महाराज की। क्या मेरा क्या पाना है, कैसे हो मेरा उद्धार, गुणायतन में आओ बंधु यहाँ सत्य का हो दीदार। तीर्थराज शंभी शिखर की तलटी में स्थित जैन सिद्धांतों की प्रयोगशाला आत्म विकास का दिव्य सदन, जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ पंचायत शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिन मंदिर ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व गुणायतन और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं प्रतिदिन की भांति हम और आप परम पूज मंच पर आज सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। जो भी श्रावक श्राविका पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो यहाँ श्रावक श्राविका उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के शिष्य चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। और आइए मंच पर विराजमान सभी संतों के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व हमारे बीच वो श्रावक परिवार उपस्थित हैं जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर अपने भविष्य को सुरक्षित किया है। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी गुणमाला जी मेहता मुंबई, वे आएंगे मंच पर परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीओशाफ श्रीमान सुभाष जी, गुणायतन के प्रशासक महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी, ये आएंगे हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अशोक जी गुणमाला मेहता मुंबई, उनके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा इनके सम्मान में अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भोपाल निवासी पंसारी परिवार से, जो कि गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है, श्रीमान राजीव जी भारिल भोपाल, ये आएंगे और परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन से श्रीमान सुभाष जी के साथ साथ श्रीमान सुरेश जी रामगढ़ मंडी गुणायतन संरक्षक, ये आएंगे हमारे राजीव जी भारिल भोपाल, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और चलते हैं इसी क्रम में श्रीमान राजीव जी वाल आ जाए सुरेश जी सम्मान करने के लिए, आइए सर। श्रीमान राजीव जी वाल गुणायतन ट्रस्टी भोपाल गुरुवार के श्री चरण नमन करते हुए गुरुवंदा का स्वभाव प्राप्त कर रहे हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं गुणायतन के शिव साहब श्रीमान सुभाष जी और गुणायतन के संरक्षक श्रीमान सुरेश जी रामगंज मंडी, इनको आमंत्रित करूंगा हमारे सम्मानी राजीव जी भारिल का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में हम उन्हें आमंत्रित करते हैं जो अपनी लेखनी के माध्यम से मधुबन के शिखर जी के और अन्य क्षेत्रों के समाचारों को जन जन तक पहुंचाने में जिनका भरपूर सहयोग रहता है, ऐसे दैनिक भास्कर समूह से हमारे बीच पत्रकार समूह उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान रितेश जी ठाकुर यूनिट हेड
और उनके साथ श्रीमान अशोक जी गिरी, श्री मंजीत जी, ये सभी आएंगे परम पूज मुनि और किसी चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और गुणायतन परिवार से इनके सम्मान के लिए श्रीमान शिवाजी सीओ साहब, श्रीमान सिद्धार्थ जी प्रशासक गुणायतन, ये आएंगे हमारे सम्मानी पत्रकार समूह से श्रीमान रितेश जी ठाकुर, अशोक जी गिरी, श्री मंजीत जी, इनके सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा इन सभी पत्रकारों का आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। दैनिक भास्कर समूह से यूनिट हेड श्रीमान रितेश जी ठाकुर, उनके साथ में श्रीमान अशोक जिगरी, श्री मंजीत जिगरी हमारे बीच उपस्थित हैं। और गुणायतन परिवार इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहा है। सभी पकड़ लिया अगर थाली। और आइए संघ का समाधान का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, दैनिक भास्कर समूह के यूनिट हेड रितेश जी ठाकुर, अशोक जिगरी, श्री मंजीत जिगरी के माध्यम से प्रथम प्रश्न के लिए। नमस्ते गुरुदेव, गुरुजी मेरा एक समस्या है, शंका है कि आज के इस भागदौड़ वाले जिंदगी में जब हम लोग सफलता के पीछे दौड़े पड़े रहते हैं, कैसे हमें सफलता मिले, लेकिन जैसे जैसे हम सफलता के नज़दीक जाते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत सारा चीज़ हमारा छूट जाता है। जैसे हम सामाजिक तौर पे या धार्मिक क्षेत्र में या फिर पारिवारिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि पीछे बहुत कुछ छूट जाता है, तो हम लोग कैसे इसमें सामंजस्य बनाए कि हम सफलता को भी प्राप्त करें जो कि जरूरी है, और बाकी चीज़ों में भी हम सामंजस्य बना करके उसको देखें। देखिए, ये समस्या तब तक रहेगी जब तक हम सफलता के अर्थ को ठीक तरीके से नहीं समझेंगे। प्रायः सफलता का अर्थ निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि मात्र को मान लिया गया है। मैं मानता हूं कि किसी निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि का नाम सफलता है, पर ये उसकी अधूरी परिभाषा है। मेरी राय में सफलता का अर्थ केवल निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि नहीं, सफलता का अर्थ अपने उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, खासकर आज की प्रतियोगी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई कुछ लोग सफल होते हैं, जो सफल हो गए वो बहुत खुश होते हैं, और जो उसमें चयनित नहीं होते वो अपने आप को विफल मान लेते हैं। मैं नहीं मानता कि चयनित लोगों के अतिरिक्त बाकी लोग विफल हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूपीएससी में कितने लोग बैठते हैं? लाखों लोग बैठते हैं। लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग बैठते हैं। सीट कितनी होती? हजारों में। जनरल की तो ज्यादा से ज्यादा 250-300 जी। तो जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक देकर आया, क्या वो अपने क्षेत्र में विफल व्यक्ति है? नहीं, पर व्यक्ति अपने आप को विफल मानने लगता, लोग भी उसको विफलता की दृष्टि से देखने लगते हैं। मैं समझता हूं ये भ्रांत धारणा है। वो तो पहले से सुनिश्चित था कि इसमें इतने ही लोगों के लिए सीट है, चयन इतने का ही होगा, बाकी का चयन नहीं होगा। यानी उस अर्थ में देखा जाए तो सफल जो 200-300 हैं वो ही होंगे, बाकी सबको विफल होना है, ये तय है जी। और ऐसे में जो अपने आप को विफल मानेगा वो अपने जीवन से हार जाएगा। बहुत से ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया, इंटरव्यू तक देकर आए, उनका चयन नहीं हुआ, और आज कोचिंग चलाते हैं, अनेक लोगों को आईएएस बना रहे हैं, है ना? तो क्या हुआ?
लक्ष्य एक बनाकर व्यक्ति चले, उसकी पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रयत्न करे, पर उसे ही अपनी सफलता का अंतिम रूप न माने। मेरे ध्येय की पुष्टि होनी चाहिए और यदि अंतिम संभावना तक प्रयत्न करने के बाद भी परिणाम न मिले तो अपने प्रयत्न की दिशा में थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए और संभावनाओं को तलाश कर जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा उद्देश्य चलना है, रुकना नहीं जी। कई बार सीधे रास्ते पर हम चलना तय करते हैं, रास्ते में रुकावट आ जाती है तो वहीं नहीं बैठा जाता, डायवर्सन ढूंढा जाता है और हम डायवर्जन पकड़ करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। तो यही दृष्टिकोण होना चाहिए एक बात। दूसरी बात, सफलता के साथ जो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी कि एक चीज को पाने के लिए बहुत सारी चीजें खो देते, तो ये बात भी पूरी तरह ठीक नहीं है। ये बात सही है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए व्यक्ति को उसका होना चाहिए, लेकिन उसके साथ व्यक्ति को अपनी पृष्ठभूमि भी देखकर चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक को पाने के पीछे हमने और जो महत्वपूर्ण है उसे खो दिया। जैसे ज़्यादातर लोग जो सफल होने के रास्ते में दौड़ते हैं वो अपने स्वास्थ्य और संबंधों को खो देते हैं, जबकि एक सफलतम व्यक्ति के लिए उपलब्धियां जितनी अर्थपूर्ण है उसका स्वास्थ्य, उसका संबंध और उसके अंदर की शांति उतने ही महत्वपूर्ण है। तो उसे चाहिए कि इसे मेंटेन करते हुए आगे बढ़े। व्यक्ति दौड़े पर अंधी दौड़ में दौड़ने से बचे। ये समस्याएं तब से उठाती है जब व्यक्ति अंधी दौड़ में दौड़ना शुरू कर देता है। यदि इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो ये दुविधाएं कभी नहीं आएंगी। चलिए अगले प्रश्न के लिए श्रीमान मनोज जी मिली जी रायपुर, उसके बाद तैयारेंगी ज्योति जैन वोरा राजस्थान। पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए, शंकाएँ तो बहुत हैं लेकिन पूज्य मुनि के दर्शन करते ही गुणायतन में प्रवेश करते हुए ही सारी शंकाएँ समाप्त हो जाती हैं। फिर भी मन में एक विकल्प है, उस विकल्प को यहाँ सामने रख रहा हूँ। वर्तमान में समाज में धन हावी हो गया तो समाज विकृत हो गई। अभी हम देख रहे हैं वर्तमान स्वरूप में धर्म पर भी अर्थ और धन हावी होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा धर्म भी इस धन और अर्थ की कुरीतियों में शामिल ना हो जाए। और आपका असर समझ गया, आपने दो सवाल की, दो चिंता व्यक्त की। पहली बात कि समाज पर धन हावी हो रहा है और दूसरी बात आपकी चिंता ये है कि कहीं ये धन धर्म पर भी हावी ना हो जाए। इस संदर्भ में मैं आपकी धारणा को थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूँगा। समाज में धन हावी हो रहा है ये आज की बात नहीं है, हमारे सामाजिक मूल्यों में अर्थ को प्रधानता समय समय पर मिलती रही है और ये उक्ति बहुत प्राचीन है, सर्वे गुणाः कांचन मा श्रीयन्ते। ये आज की बात नहीं है, ये तो हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है, सदियों पहले ऐसा लिखा गया। इसका मतलब धन की अपनी अहमियत है, उसे नकारा नहीं जा सकता और बिना धन के समाज का विकास भी नहीं हो सकता। अगर हम धन को अलग कर दें तो समाज कंगाल हो जाएगी। आप धन विहीन समाज की कल्पना कर सकोगे? तो समाज में धन होना कोई बुरा नहीं,
धन को प्राथमिकता देना भी मेरी राय में बुरी नहीं है, पर धन को सर्वस्व मान लेना बुरी है। धन अर्जन करे, धन को प्राथमिकताएं दे, लेकिन धन को ही सर्वस्व समझने की भूल से बचे। हमारे यहां धनोपार्जन की छूट गृहस्थों को दी गई और ये कहा गया, बस एक बात को ध्यान में रखना कि धन मेरे जीवन के निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। जो धन को जीवन निर्वाह के साधन के रूप में अंगीकार करते हैं वे धन पर हावी होते हैं, और धन ही जिनके जीवन का साध्य बन जाता है उन पर धन हावी होता है। जब तक तुम धन पर हावी हो, धन का मनचाहा उपयोग करके जीवन को धन्य बनाओगे, जिस दिन धन तुम पर हावी हो जाएगा धन के बोझ में दब जाओगे और तुम्हारा निधन होगा, जीवन का धन्य नहीं बना पाओगे। इसलिए इस बारीक अंतर को समझना चाहिए। जो दूसरा पक्ष है कि धर्म क्षेत्र में भी धन का प्रभाव ज़्यादा दिखता है, मैं मानता हूँ ये धारणा भ्रांत है। आप बताओ, हम साधु संतों को आप धर्म क्षेत्र में अग्रणी मानते हो कि नहीं? मानते हैं। बोलो, मानते हैं। तो क्या हमारे पास कोई धन है? बोलो, नहीं। तो क्यों बनाया हमें अग्रणी? अगर धर्म क्षेत्र में पैसे को ही प्रमुखता होती तो पैसे वालों को मंच पर बैठना चाहिए था और हम फकीरों को उनके चरणों में। क्या हो गया, ऐसा क्यों नहीं? तुम हम लोगों के पास आते हो, किस लिए आते हो? शांति पाने। किस लिए आते हो? शांति पाने के लिए। इसलिए कि हमारे पास अपार धन है? बस यही समझने की बात है। ये कहना गलत है कि धर्म के क्षेत्र में धन हावी है। आज भी धनवान धर्म का आश्रय लेकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, तो ये धर्म है ना? फिर धर्म करने में धन कहीं आड़े आता ही नहीं। धर्म तो वो भी कर लेते जिनके पास धन है ही नहीं। आप मनुष्यों की बात कहते हो, जैन धर्म के अनुसार तो पशु पक्षी भी धर्म करते हैं, उनके पास तो एक पाई नहीं है। करते हैं कि नहीं करते? कुत्ते ने भी अपना कल्याण किया, बैल ने भी अपना कल्याण किया, नेवले ने भी अपना कल्याण किया, जटायु ने भी अपना कल्याण किया, किया ना? किसके बल पर? धन के बल पर कि धर्म के बल पर? तुम नमोकार जपते हो, धर्म करते हो कि नहीं? भगवान का नाम लेते हो, धर्म करते हो कि नहीं? कोई पैसा लगता है? तुम कोई व्रत संयम पालते हो, धर्म करते हो कि नहीं? बोलो, पैसा लगता? कोई त्याग तप करते हो, धर्म करते हो कि नहीं? बोलो, पैसा लगता? फिर ये कैसे कहते हो कि धर्म करने में, धर्म क्षेत्र में भी धन हावी हो रहा है? ये धारणा आमूल चूल बदलनी चाहिए। धर्म नितांत वैयक्तिक है, समझ गए? हाँ, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए, आयोजन के लिए तो धन चाहिए ना भैया? बोलो, हाँ चाहिए। ये कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश और दुनिया के लोग देख रहे, तो फ्री में हो जाएगा क्या? चैनल चलता है तो लोग उसको पैसा देते तब ना चलेगा, हाँ? और इसको उनके थोड़े से त्याग से कितनों का कल्याण होता है?
कोई बड़ा कार्यक्रम आपको करना है उसके लिए तो धन चाहिए। मंदिर में बैठ करके पूजा करने के लिए धन नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर बनाने के लिए धन चाहिए। तो संत कहते हैं कि तुम्हें धर्म करना वैयक्तिक स्तर से करो, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी धर्म करते रहे, इसलिए ऐसे पेड़ लगा जा जिसका फल पीढ़ियां खाते रहे। वहां धन का उपयोग है। पुरखों का आभार मानो जिनने अपने धन का अर्जन करके ऐसे कार्यों में लगाया कि आज हमारे धर्म ध्यान का रास्ता खुला हुआ है। फिर धनी को धर्म क्षेत्र में स्थान नहीं मिलता, उदारता के धनी को धन क्षेत्र में स्थान मिलता है। धनिक तो बहुत मिलेंगे, लेकिन धर्म क्षेत्र में सम्मान वे पाते हैं जो धर्मी हो, धन के साथ साथ धनी होने के साथ साथ विशाल हृदय रखते हैं, उदार मन रखते हैं, मौका आता है सारा खजाना खोल देते हैं। और जो इस तरह का त्याग करता है, दान करता है, क्या उसका सम्मान करना तुम्हारा धर्म नहीं बनता? आज के तथाकथित लोग एक प्रकार के फ्रस्ट्रेशन के शिकार दिखते हैं। कुछ तो कुछ करते नहीं, करने की भावना नहीं रखते, और दूसरा कोई करता है तो अपना जी जलाते हैं। वो कर्म फूटे हैं इसलिए तो ये दशा बनी, और ऐसी मानसिकता से उनके कर्म फूटे ही रहेंगे। हर्षित हो कि चलो ये कितना सौभाग्य की बात है, मैं नहीं कर पाया पर ये तो कर रहा है। उसके त्याग का सम्मान होना चाहिए, उसकी उदारता का अभिनंदन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर अगर ऐसे लोगों को तुम महत्व नहीं दोगे तो आएगा कहाँ है? अरे उनको ही आगे किया जाता है, तो तुम भी तो कुछ करो जो तुमको आगे करे। या तो दान दो या योगदान दो, और दोनों नहीं दे तो पीछे बैठ के ताली बजाओ, और क्या होगा? हाँ, फुकट में क्या होगा? फुकट में कुछ भी नहीं होता। इसलिए थोड़ा व्यापक नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। ये आजकल अरे सब पैसों वालों का खेल है, पैसे वालों का खेल है, पैसे वालों को मानस कर दो कंगाल बन जाओगे। इसलिए उनको कोसने की जगह उनके प्रति कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करिए, और अच्छा कार्य कोई भी करे जी भर करके उसकी अनुमोदना कीजिए, तभी सच्चे अर्थों में धर्म धार सके। ज्योति जी वो राव राजस्थान, उसके बाद तैयारेंगे गुणेतन ट्रस्टी श्रीमान राजीव जी भारिल भोपाल से पधारे समस्त यात्रियों के साथ। नमोस्तु महाराज जी। पाठशाला के बच्चों का प्रश्न है कि पुरुष दो शादी कर सकते हैं या उससे भी ज्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन फिर से बोलो क्या बोली? पुरुष ज्यादा मतलब दो शादी कर सकते हैं, तीन शादी कर सकते हैं। भरत चक्रवर्ती ने 96,000 शादियां की, तो और लड़कियां एक शादी करती है, डबल शादी नहीं कर सकती, इसका शंका का समाधान करें महाराज जी। हम तो ये बोलते हैं जिनने एक की उन्हीं का अनुभव पूछ लो, फिर दूसरे की सोच रहा कहा चक्कर है महाराज जी। पाठशाला की बच्चियों को कैसे समझाएं? बच्चियों के लिए बात बोल रहा हूँ। हाँ, अब आ रहा हूँ। देखो ये हमारी धार्मिक शास्त्रों की अवधारणाएं हैं। हमारे यहाँ विवाह का उद्देश्य बड़ा व्यापक है और बृहत है। विवाह केवल मौज मस्ती के लिए नहीं किया जाता, शील संयम सदाचार के पालन के लिए बनाया जाता है। समझ गया? तो शील संयम सदाचार का पालन करे, एक से विवाह हो गया, काम खत्म। मूल मार्ग तो वैराग्य का है। तुम पूछ रहे हो एक शादी कर सकते, दो कर सकते, भगवानों ने तो किए ही नहीं तो फिर क्या हुआ? बच्चे ये बोलो आदर्श कौन सा है, जो किया वो या जो नहीं करे वो? तो कीचड़ में फंसना है, उससे अपने आप को जितना बचाओ उतना अच्छा है। जहाँ तक पुरुष और स्त्री का सवाल है, पुरुष को पुनर्विवाह का विधान इसलिए कहा गया क्योंकि वंश को संचालित करने के लिए उसकी जरूरत है, उसमें उसका एक कुल रहता है। स्त्री यदि दूसरा विवाह कर लेगी तो कुल कौन सा रहेगा? समझ गए? इसलिए एक व्यवस्था ऐसी बनाई गई है और हमें उस व्यवस्था का अनुपालन करना चाहिए। श्रीमान
राजीव जी हमारे गुलायतन ट्रस्टी भोपाल अपने सभी यात्रियों के साथ और अगले प्रश्न के तैयार रहेंगे। पंसारी परिवार अशोकनगर के सभी यात्री सुरेंद्र कुमार जी, राजीव कुमार जी, पंसारी जी के साथ। मुनिवर एवं समस्त मुनि संघ के चरण कमल में मैं मेरा अशोकनगर भोपाल से समस्त भारिल परिवार से बारंबार नमोस्तु 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 और नमन। मुनिवर एक छोटे से गुस्ताफी चाहूँगा कि ओम करने से पहले एक सर एक मेरा निवेदन है और एक प्रश्न है, दोनों में एक एक मिनट लूँगा बस। नहीं जो हमारा जो विधान हो रहा है उससे आपके आशीर्वाद से और मंडल के प्रभाव से हम सभी के भाव बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हुए हैं और आपसे जो आज सुबह आपने जो चार सह शब्द बनाए थे उसके संबंध में हम आपसे एक अनुनय विनय करते हैं कि हम सभी श्रावकों को जो यहाँ उपस्थित हैं वो भी और जो हमारे परिवार से उनको भी कि यहाँ से जाने के बाद उनके मन में जिस प्रकार के भी निंदा विचार आते हों या जो भी इस तरह के विचार हों कसाय हों, यदि कोई दान धर्म नहीं कर सकते ना करें लेकिन कम से कम ये निंदा विचार को यहीं दान कर जाएं तो इससे जो श्रद्धा भाव है उसका बीजांकुर हो जाएगा और चारों शाखा उपलब्धि होगी। ये तो मेरा एक आपसे आशीर्वाद चाहिए हम सभी की तरफ से। बहुत सुंदर, सवाल कर लीजिए जल्दी से। दूसरा प्रश्न ये है मुनिवर, प्रश्न एक ही है मतलब कि हम जब भगवान के दर्शन करते हैं जब देखते हैं तो देखते समय हम बिल्कुल सम्यक भाव से उनके दर्शन करते हैं, जब उनके चक्षुओं में हम अपने जो भी हमारे नेत्र से देखते हैं तो हमें एक बड़े सम्यकता की मतलब निश्चलता की अनुभूति होती है और हम जब जमीन पर मतलब चटाई पर खड़े होकर करते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमें कुछ मिल रहा है और हमें मतलब मुझे कई बार ऐसा बताया गया है कि जो हमको जो मिलता है जो दर्शन होते हैं एक अंदर से एक ऊर्जा प्राप्त होती है चक्षु से, भगवान के चक्षु से वो हम अपने अंदर समाहित कर सकते हैं लेकिन जब सार तो बोलो, इतना विस्तार मत करो, पूछना क्या चाह रहे हो। यदि जमीन पर खड़े हो जाएं यदि चटाई पर बिना तो भी क्या ये हमारे अंदर समाहित हो पाता है ये ऊर्जा कि निकल जाते जिस प्रकार की पृथ्वी में पूरा जमा हो जाता है। देखिए अगर किसी आसन पर खड़े होते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह अलग रूप में होता है, धरती पर रहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का कारण बनने से हमारी बहुत सारी ऊर्जा नीचे जा सकती है, इसलिए उत्तम यही है कि अगर मंदिर वगैरह में दर्शन करे नीचे कोई आसन लगा कर करे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए एक छोटा सा हो गया। हाँ जी, पंसारी परिवार अशोकनगर से श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, राजकुमार जी, पंसारी जी बहुत ही मार्मिक प्रश्न लेकर आ रहे हैं और इसके बाद मैं निवेदन करूँगा हमारे गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी से। महाराज श्री, मेरा प्रश्न कसाय से संबंधित था, ये कसाय कैसे शांत हुई इस सिद्ध क्षेत्र पर, मैं इसका समाधान चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है, कसाय को कैसे शांत करें। आप सब सिद्ध चक्र विधान करने का मन बना कर आए हैं, सिद्धि पाने के लिए आए हैं, अपना लक्ष्य बदल दो, भगवान हमें शुद्धि पाना है और शुद्धि के लिए जो संभव है वो करना है। मेरे मन में शुद्धि और विशुद्धि हो ये भाव जगाइए, अगर शुद्धि और विशुद्धि का भाव ऐसे ही उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो हमारी कषाएँ अपने आप शांत हो जाएगी और उसके लिए हमें जागरूक होना होगा। कषाय को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानो और एक बात गांठ में बिठा दो कि यदि हमारे अंदर किसी के प्रति गांठ बनी हुई है तो हमारा सारा धर्म कर्म व्यर्थ है। पारसनाथ भगवान के चरित्र को पलट कर देखें, एक तरफा वैर 10 भाव तक चलता रहा। यदि हम इस तरह के वैर विरोध और प्रतिशोध की भावना अपने मन में रखेंगे न जाने अपने कितने भावों को स्वाहा करेंगे, इसलिए हम विधान करने के लिए आए हैं। अपने मन को साफ करें, क्षमा करने और क्षमा मांगने की शक्ति अपने अंदर जुटाएं, तभी हमारा ऐसा धार्मिक अनुष्ठान सार्थक हो सकेगा, अन्यथा सब व्यर्थ होगा। श्रीमान शिवाजी सीओ साहब गुणायतन, उसके बाद बावरिया परिवार की ओर से श्रीमान पुष्प कुमार जी जैन बगड़ा सिंगोली शांतिधारा परिवार। विराजमान सभी मुनिराजों के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव आज बहुत ही दुखद प्रसंग के साथ यहाँ उपस्थित होना पड़ा,
हमारे बहुत पुराने ट्रस्टी 2010 के ट्रस्टी श्री महावीर प्रसाद जी सेठी, जो मुखिया के रूप में जाने जाते थे और वह एक बहुत बड़े इस एरिया के बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे, अपनी समाज के साड़म समाज के अध्यक्ष भी रहे हैं श्री महावीर प्रसाद जी सेठी। आज सुबह समाचार मिला उनका, देवलोक गमन हो गया गुरुदेव, अभी शंका समाधान से थोड़ी देर पहले समाचार मिला। हम लोग सभी बहुत संतप्त हैं और ऐसे समय में उनके उनके परिवार और उन वहाँ की समाज के लिए आपका आशीर्वाद और संदेश गुरुदेव बहुत हम लोगों को बल देगा। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है, किसी के आने जाने के क्रम को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आवागमन के इस क्रम में के बीच में अचानक हमारे बीच से कोई जाता है तो सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं, स्वाभाविक है। महावीर प्रसाद जी सेठी, जिन्हें मुखिया जी के नाम से जाना जाता था, आज अचानक जो आपने अभी मुझे समाचार दिया कि वे हमारे बीच नहीं रहे, निश्चित ये समाचार सुनकर के सभी लोग स्तब्ध हैं। भले उम्र उनकी कुछ भी हो, पर वे बड़े क्रियाशील, कर्मठ और जुझारू व्यक्तित्व के धनी थे। देव शास्त्र गुरु के प्रति और समाज के कल्याण के लिए उनने अपने जीवन में बहुत कुछ किया। वे चले गए, उनके आदर्श आज भी समाज के बीच में हैं, समाज को उनका अनुकरण करना चाहिए। जहाँ तक उनके असमय में जाने का सवाल है, उस पर तो किसी का जोर नहीं लगता, लेकिन मैं इस घड़ी में उनके पूरे परिवार को, उनके सभी भाइयों को और उनके पुत्र संजय को, विनोद को आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसे संकट की घड़ी में धैर्य रखें। हम लोग तो उस परंपरा में जन्म लेने वाले और जीने वाले लोग हैं, जिन्हें बचपन से ही पढ़ाया जाता है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। जिनकी जब बारी आती है उनको जाना होता है, न जाने कब किसकी बारी हो, इसलिए हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। जाने वाला चला गया, इसे शोक का निमित्त न बनाए, वैराग का निमित्त बनाए और ऐसे लोगों के सदादर्शों को अपने जीवन का आदर्श बना करके चले, उनके पदचिन्हों पर चले, तो हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। हम मुखिया जी के पूरे परिवार और साडम समाज को आशीर्वाद देना चाहेंगे कि वे इस संकट की घड़ी में धैर्य रखें, संयम और संतोष से काम ले, नियति के इस प्रहार को सहज भाव से स्वीकार करें, इसे ऐसे ही परिणति माने और अपने बाकी दायित्वों को अच्छे से पूर्ण करें। यही मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। बाबा रिवीर परिवार की ओर से पुष्पार्जन बगड़ा सिंगवली शांतिधारा परिवार, उसके बाद अंतिम प्रश्न के लिए श्रीमती गुणमाला जी, अशोक जी मेहता, गुणायतन चष्टी, मुंबई। नमस्ते गुरुदेव। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला, जब ताला खुलता है तब भी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की, तो हम हमारी दुकान सोने की कैसे बनाए, समाधान कीजिए। बहुत अच्छी बात है। इंसान एक दुकान है, जुबान उसका ताला, और ताला खुलने के बाद पता लगता है कि हमारी दुकान में ये दुकान सोने की है या कोयले की। तो भाई, सोने और कोयले की दुकान अलग अलग होती है और अलग अलग होने के कारण उसकी पहचान अलग अलग होती है, लेकिन ये हमारे साथ तो यही है कि कब दुकान सोने की हो जाए, कब कोयले की हो जाए, पता नहीं लगता। तो उसमें एक व्यवस्था होती। मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति के प्रतिष्ठान में ही रुकना हुआ, तो उसकी टाइल्स की दुकान थी। तो टाइल्स की दुकानों में, छोटी सी जगह में बहुत सारी टाइल्स थी, वहीं आहारचर्या हुई, विश्राम वहीं हुआ, तो बड़ा बड़ा सा एरिया था, बिहार का क्रम था। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि ये सारी इतनी सारी टाइलें, ये तो बहुत साधारण सी टाइलें दिख रही है, यही रखते? बोले, नहीं महाराज जी, हमारे पास सब तरह की चीज़ है। तो कुछ थप्पियाँ से दिखी थी, तो उसमें स्लाइडर थे, तो एक एक को खींचता जा रहा था। बोले, बड़ा देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए, एक एक को खींच खींच कर उसने करीब 12 स्लाइड्स निकाले, और जैसे जैसे खींचे तो जैसे परत खुलते खुलते अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती है ना, तो एक से एक चीज़ें निकल गई। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो ख़राब चीज़ें उनको स्लाइड करके एक तरफ कर दें और जो सोना है उसे हम एक्सपोज करके बाहर निकाल दें,
तो जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं। ये कला हमारे पास होनी चाहिए कि किसे बाहर करना है और किसे छोड़ना है। नमस्तु। श्रीमती गुणमाला जी, अशोक जी मेहता, गुणायतनचष्टी, मुंबई। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मेरे परिवार की तरफ त्रिवार, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे संदीप जी का प्रश्न है, जो यहाँ है वो वहाँ नहीं है, और जो वहाँ है वो यहाँ नहीं है, जो यहाँ भी और वहाँ भी है, और जो यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है, और हमारे चलते हुए फिरते भगवान किस में आते हैं, हमारे चलते फिरते भगवान। वही कहानी याद कर लो, अकबर बीरबल वाला, यहाँ के वहाँ के, यहाँ के ना वहाँ के, और यहाँ के भी वहाँ के भी, है ना। अब कहानी नहीं सुनाऊंगा, पहले प्रवचन में दिया हुआ वहीं से ले लेना। और रहा सवाल हमारे भगवान किस श्रेणी में आते हैं, भगवान को अगर देखो तो जो भगवान की शरण में आता है वो यहाँ का भी होता है और वहाँ का भी होता है। भगवान वो शाश्वत तत्व है जो सबके कल्याण का मूल आधार है। नमस्ते गुरु। और चलते हैं, आप सभी की ओर से निवेदन करेंगे मंच पर विराजित संतों की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और सबसे पहले निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से एक प्रश्न के लिए एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज से, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। अतिथि स्वरूप मुनिराज को, जिनके आने जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं रहती, ऐसे अतिथि स्वरूप मुनिराजों को नमोस्तु करके यही प्रश्न है कि तिथि और तारीख के संबंध में कुछ लोग कहते हैं कि एक वर्ष में तारीख और तिथि में 10 दिन का अंतर आ जाता है, परंतु ये मकर संक्रांति की जो तिथि और तारीख है, तारीख 14-15 ही फिक्स है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। और लोग कहते हैं कि भरत चक्रवर्ती ने अकृत्रिम जिन चैत्यालयों के दर्शन किए वह कब किए, इस कर्क संक्रांति में किए कि मकर संक्रांति में किए। और जो अकृत्रिम चैत्यालयों के जो दर्शन, अकृत्रिम चैत्यालय में तो 108 प्रतिमाएँ विराजमान रहती हैं, और जबकि कृत्रिम चैत्यालय में जिन बिंब विषम संख्या में लोग उसको शुभ मानते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय में सम संख्या में होते हैं, तो क्या होना चाहिए इसका? बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहली बात तो मकर संक्रांति की तिथि फिक्स क्यों? देखिए, एक होती है चंद्र राशि, एक है सूर्य राशि। चंद्रमा 28 दिन में सभी राशियों में परिवर्तित कर लेता है, और लगभग 2 दिन 2.25 दिन तक एक राशि में चंद्रमा रहता है। सूर्य एक राशि में 1 माह तक रहता है। ये जो सूर्य की राशि में परिवर्तन होता है वो एकदम सुनिश्चित तिथि में होता है, क्योंकि वो 30 दिन का ही मास रहता है। इसलिए मकर संक्रांति हो या जितने भी हर माह की संक्रांति है, वो लगभग 15 तारीख के आसपास की पड़ती है। तो इसलिए 14-15 तारीख जैसे बोले तो वो उसकी तिथि सुनिश्चित है। इसी तरह आपने पूछा कि भरत चक्रवर्ती ने मकर संक्रांति के दिन अकृत्रिम जिनालियों के वंदन किए या कर्क संक्रांति के दिन। एक समय तक लोगों में धारणा थी कि मकर संक्रांति के दिन भरत चक्रवर्ती जिन बिंबों का दर्शन करता है, लेकिन नेतेंद्री के उत्कृष्ट उपशम के लिए जो 47,400 उतने योजन के दूरी पर जो देखना है, तो वह मकर संक्रांति के दिन नहीं, कर्क संक्रांति के दिन होता है, जो अभी नहीं, ये जून के अंत में, जून जुलाई में आता है, तो वो कर्क संक्रांति का दिन है, उसको उससे जोड़ना चाहिए। कृत्रिम जिनालियों में ऊन प्रतिमाएँ रखी जाती है, और अकृत्रिम में 108, तो 108 महाराज जी, 108 भी 9 है, वो ऊन ही है, पूर्ण नहीं है, समझ गए? ठीक है, उसे भाजित किया जा सकता है, लेकिन आधा आधा करेंगे तो 54, 22, 11 पूर्णतया भाज्य नहीं है, समझ गए? सॉरी, 54 फिर 27 है, 54 के बाद क्या आ जाएगा, 27, एकदम भाजित हम नहीं कर सकते, इसलिए वो 108 9 का द्योतक है और वो पूर्णांक का प्रतीक है, इसलिए अकृत्रिम जिनालियों में 108 अक्षय अंक का द्योतक है, इसलिए 108 प्रतिमाएं वहाँ रहती। और शंका समाधान के सदन की ओर से निवेदन है मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज जी से, अपनी शंका के माध्यम से
हम सभी के लिए मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः सिद्धिव्य। आज का प्रश्न तीन लोक के आकार के संबंध में है। जैसे सिद्धांत ग्रंथों में कुछ ऐसी गाथाएं आती है कि अधोलोक का आकार वेत्रासन बेड़े के आकार का, मध्यलोक झल्लरी के आकार का और ऊर्ध्वलोक मृदंग आकार। तो इसका मतलब ये कि लोक हम राउंड मानेंगे, एंगुलर नहीं मानेंगे, कोण में नहीं मानेंगे, शंकु के आकार का माने। और जो तृष्णाली के बारे में भी तरुसार सारम्मी ऐसा तिलोपन्नति में भी गाथा आती है, तो ये भी सिलेंड्रिकल है ना कि एक बाई एक राजू का है। ये कैलकुलेशन से हम 343 राजू नहीं प्राप्त कर पाते जो उसका वॉल्यूम दिया जाता है लोक का। तो क्या माने हम, कैसे 343 लाएं? तिलोपन्नति में इस संदर्भ में काफ़ी विस्तार से उल्लेख है, तिलोकसार और अन्य ग्रंथों में भी, धावला में भी इसका अच्छे से उल्लेख मिला है। लोक का क्षेत्रफल 343 घन राजू ही निकलता है, इसको थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत है। अधोलोक को जो वेत्रासन के आकार का बताया है, वो वेत्रासन थोड़ा देखो भाई, फोकस करना पड़ेगा, ये सबसे नीचे दिख पाएगा, जूम करो उसको। ये देखिए नीचे का जो हिस्सा है, ये वेद के आसन का जो एक स्टूल होता था वो स्टूल की तरह है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं। अरे काम पुख्ता करो ना। ये लगभग ऐसा बन गया, ये वेद के आसन का, जूम करिए, ये वेद के आसन का है। अब इसके ऊपर अधोलोक को झल्लरी, झल्लरी इस तरीके से होती है, एक राउंड झालर जो बनता है वो झालर के आकार का है। अब महाराज जी का कहना है ये वर्गाकार नहीं है, आयताकार नहीं है, ये कहना चाह रहे ना, ये ठीक है। एक उदाहरण एक देश होता है, चूँकि बेत होती है और बेत की जो कुर्सी होती है उसके ऊपर जो उसका ऊपर का सरफेस होता है सराउंड ही होता है। चूँकि ये धरती भी मध्यलोक गोलाकार है, वृत्ताकार है, और वृत्ताकार होने के बाद इसमें एक विशेष बात लिखी है कि चारों कोनों में अतिरिक्त स्थान रहता है, जहाँ महामत्स्य जब समुद्घात करता है तो उसका मस्तक टकराता है, ऐसा भी उल्लेख है। महामत्स्य का मस्तक भी टकराता है, यानी जो हम मध्यलोक का एरिया लेते हैं ना, वर्गाकार हम बनाए इसको एक बार राजुनी और, तो ये जो कॉर्नर के इलाके हैं, इस कॉर्नर का भी उल्लेख धौला में आता है, ये जो हिस्सा है ना, ये कॉर्नर जो है, कॉर्नर का अतिरिक्त एरिया आता है, उस एरिया से उसको जोड़ लिया जाता है। और तृष्णाली को पेड़ के अंदर रहने वाले सार की तरह, तो कई जगह लोग उसको बेलनाकार कहते हैं, लेकिन उसे आयत सम चतुरस्त्र ही कहा गया है, जो 13 राज्य उसका घन राज्य तृष्णाली का अथवा लोकनाली का 14 राज्य विस्तार तभी बनेगा। इसके विषय में धौला में अनेक प्रश्न उठाए हैं, वहाँ से देखेंगे तो ठीक रहेगा। और ये मृदंग के आकार का ऊपर का ये है, करो जूम, हो रहा है, ये मृदंग ऊपर हो गया, तो हमने इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, इसके ऊपर ये रखा, इसके ऊपर वो मृदंग रख देंगे, तो झल्लरी बेत्रासन के ऊपर मृदंग रखने पर लोक का आकार बनता है। जो आपका कहना है प्रथम उदाहरण को देखते हुए ऐसा लगता है, लेकिन इसके क्षेत्रफल को निकालते समय धौला में काफ़ी विस्तार से उल्लेख किया है, उसमें देख लेंगे आगे। और आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर निर्वेक शवर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, और मैं ये कहना चाहूँगा आज परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज जी ने केश लंच की साधना की है और आज इनका उपवास ही है, और मुझे मालूम है कि आज के उपवास में बहुत ही अच्छी शंका उनके मुख से निकलेगी। मुनि श्री के चरणों में नमन करते हुए, प्रश्न उत्तर रत्न मालिका एक ग्रंथ है
जिसमें कहा गया है कि नरक क्या है, जब प्रश्न पूछा गया को नरक पर वस्ता पराधीनता को नरक कहा गया, आचार्य ने मूक माटी महाकाव्य की रचना करते हुए कुंभ का निर्माण जब हुआ उसमें कुछ चित्रकारी की मतलब चित्रों का अंकन हुआ तो एक तरह स्वान का चित्र बनाया और दूसरी तरफ सिंह का चित्र बनाया। सिंह को उन्होंने स्वतंत्रता स्वाधीनता का प्रतीक माना तो स्वान को पराधीनता का प्रतीक माना। किंतु हम जब देखते हैं तो हर व्यक्ति किसी ना किसी के अधीन होता ही है, हम सब गुरु के अधीन हैं या और जो बड़े श्रेष्ठ पदों पर होते हैं वो भी किसी ना किसी के अधीन होते हैं, अथवा एक दूसरे को समर्पण अपने से बड़ों को समर्पण करना उनके अधीन रहना ये एक सद्गुण भी माना जाता है। फिर आखिर पराधीनता का अर्थ यहाँ पर क्या है? वो वर्तमान परिवेश में हम अगर एक दूसरे से स्त्री पुरुष होते हैं प्रायः ये होता है कि हम तो पुरुषों की पराधीनता हमें स्वीकार करनी पड़ती है, तो वो गलत है या पराधीनता का वास्तव जीवन में क्या अर्थ होना चाहिए और आचार्यों का क्या मंतव्य है इसको स्पष्ट। बहुत बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया। को नरक परवस्ता पराधीनता को नरक कहा, लेकिन इसे थोड़ा व्यापक संदर्भ में समझना। एक है पराधीनता की अनुभूति और एक है पर के लिए अर्पण की मनोवृत्ति। जब हम अपने आप को गुरु के समक्ष प्रभु के समक्ष या अपने किसी इष्ट प्रिय आत्मीय के प्रति अर्पित कर देते हैं तो पराधीनता नहीं है पर के प्रति अर्पण है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सामने वाले के चरणों में अर्पित कर देता और ये हमारे जीवन को एक सुखद अनुभूति प्रदान करते हैं। अगर हमने अपनी सारी इच्छा को गुरु चरणों में या प्रभु चरणों में अर्पित कर दिया तो फिर हमें ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें कुछ करना है, हमारा सारा कर्तृत्व हमारे हाथ से निकल जाएगा और उसकी जो आनंद अनुभूति होगी वो अनिर्वचनीय होगी, उसे शब्दों से कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोई भी बात पराधीन कब बन जाती है? जब हम उसे हम स्वीकारने को मजबूर हो जाते हैं। जो पराधीनता का अनुभव करता है वो सतत दुखी रहता है और जो पर को अर्पण करता है वह सतत सुखी रहता है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको घुटने में तकलीफ होगी पर फिर भी आप जमीन पे बैठे हैं, दुखी महसूस कर रहे हो या सुखी? क्यों? क्योंकि आपने खुद स्वीकार किया है, यद्यपि यहाँ कुर्सियाँ सुलभ भी है पर आपने गुरु के दरबार में जमीन पर बैठना ही सर्वोत्तम है ये सोचते हुए आपने खुद की इच्छा से जमीन को स्वीकार किया ना? आपको कोई तकलीफ है? और कोई आपसे ज़बरदस्ती कहे कि आप यहाँ आए हो और आज आपको जमीन पर ही बैठना पड़ेगा, क्या हो गया? क्रिया एक है पर विचारधारा भिन्न भिन्न। तो हम पर को अर्पण करें पर को अपने अधीन बनाने की कोशिश ना करें। किसी के पराधीन होना और किसी को पराधीन करने का, किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाने का भाव रखना, ये दोनों हमारी बड़ी दुर्बलताएं हैं और हमें इन दोनों प्रकार की दुर्बलताओं से अपने आप को दूर रखना चाहिए। क्योंकि जो अनुशासित करता है और अनुशासित होता है, जब तक कर्तृत्व का भाव है तब तक दुख ही दुख है और जब कर्तृत्व छूट जाता है तभी जीवन का स्वातंत्र्य प्रकट होता है और वहाँ सुख ही सुख है। और नमोस्तु करते निवेदन करता हूँ मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज से अपनी शंका के माध्यम से हम सभी के लिए मार्ग प्रशस्त करें।
शंका, एक जिज्ञासा ये है, तीर्थंकर प्रगति का वन केवली और सुत केवली के पादमूल में होता है। मान लिए कोई मुनिराज सुत केवली हैं, किसी श्रावक के यहाँ आहार करने गए हैं और श्रावक की विशुद्धि बढ़ जाए तो क्या उसे वहाँ पर तीर्थंकर प्रगति का वन हो सकता है? देखिए महाराज जी ने बड़ा शास्त्रीय सवाल किया, पर मैं इसमें से एक पहले व्यवहारिक बात लाता हूँ। तीर्थंकरत्व का स्वभाग हर किसी को नहीं मिलता, पूरे कालचक्र में 24 ही होते हैं, और वे महान आत्माएं होती हैं जो अनेक जन्मों की साधना से पककर तपकर अपनी आत्मा की योग्यता को चरम और परम रूप में विकसित कर पाती है। उसके लिए एक विशिष्ट पुण्य का संचय करना होता है जिसका नाम है तीर्थंकर प्रकृति। ये योग्यता किसी केवली या श्रुत केवली यानी पूर्ण ज्ञाता के पाद मूल में होती है। पाद मूल शब्द बहुत ही अर्थपूर्ण है। पाद मूल में होने का मतलब क्या है? चरण पकड़ करके बैठने पर, ये बहुत सरल है। पाद मूल का मतलब ये नहीं है कि आप केवल भौतिक रूप से सद्गुरु के निकट में जाओ। पाद मूल का मूल अर्थ मुझे ये समझ में आता है कि सामने वाले के शरणागत हो जाओ, उनकी शरण में चले जाओ, अपने हृदय में उनके चरण कमलों को स्थायी रूप से अंकित कर लो, उन्हें ही अपने जीवन का सर्वस्व और आदर्श बना लो, तब कहीं जाकर वो पादमूल होता है। बहुत सारे लोग आते हैं सद्गुरुओं के पास, पर वे आकर के भी दूर रहते हैं, भौतिक रूप से एक दूसरे के निकट रहते हैं और दूर हो जाते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। हृदय तुम्हारा अर्पित होना चाहिए, केवल सानिध्य पाने से कुछ नहीं होगा, शरण पाओगे तब जीवन का उद्धार होगा। समझ गए? सानिध्य सब पा लेते हैं, शरण कोई बिरला पाता है। तो जो महाराज जी ने कहा कि ऐसे गुरु भक्त के लिए किन्हीं महामुनि का सानिध्य मिल गया, जो श्रुत केवली हो यानी वांग्मय के पूर्ण ज्ञाता हो, तो क्या उनकी चरण सेवा से उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है? हो सकता है, बसरते वो उनके चरणों को अपने हृदय में बसा ले, उन्हें अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श बना करके चल ले, तो ये सारा कार्य हो सकता है। अन्यथा वो सब बातें जहाँ के तहाँ रह जाती है। इसलिए मैं महाराज के प्रश्न के माध्यम से एक संदेश आप सबको जरूर देना चाहूँगा, गुरुओं के चरणों में दर्शन करने आना बंद कर दो, गुरुओं के दर्शन मत करो। महाराज क्या बोल रहे हैं, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, गुरु के दर्शन मत करो, गुरु चरणों में दर्शनार्थी बनकर कभी मत आओ। क्या बोल रहा हूं? गुरु के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत आओ, गुरु चरणों में शरणार्थी बनकर के आओ। दर्शनार्थी बनोगे तो बस दर्शन ही पाओगे, और शरणार्थी बनोगे तो सर्वस्व पा जाओगे। जब तक हमारे भीतर वो भाव घटित नहीं होता, तब तक हमारे जीवन का पथ प्रशस्त नहीं होता। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोलिए परम पूज मनीषी प्रमाण सागर जी, प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज की।